शुरुआत से जिंदगी हो जुटी हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो यहाँ आज मामा हर्षा बना रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। नो डाउट कि सारा प्रोसेस इसमें नहीं है, लेकिन जब मैंने फ़ाइनल आउटपुट देखा तो मैंने सोचा चलो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। बाद में मुझे कुछ और इसमें ऐड करना है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली वो मैंने खुद इंटरनेट पर देखा, सो मैं चाहती थी कि मैं वो करूँ। प्लीज़ आप मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा बहुत अवॉइड करिए, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो तो जिन लोगों ने घर पे हरसा बनाया होगा, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो यह आप देख रहे हैं कि मम्मा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। आधा काम तो देने किया था, आधा काम मेरी मम्मा कर रही थी। Ai, xa, xa, tu, ar, mentor, mare, sa, dar, trei, pata. E tale, te mea, suba, stai, sa, ma, clom, mă, diva, la. Să, e, chei. Să, ma, zi, zubarabar. Nu, pa, zi, bă, de mea, cu. Diva, zubarabar. Beliz, nu, pa, zi. He, e, de mea, o. Are, mi se, de lei, cara. Îmi găi zătie? Mhm. तो यहाँ मैं लग गई अपना काम करने, जो कि आजकल वायरल है, DIY कोरियन फेशियल मास्क। सो आई थिंक आई शुड ट्राई दिस। तो क्यों ना घर पे बना लेते हैं सेम उसी प्रोसेस से जैसे कि वो बनाते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिसे हुए चावल, जिनको दीने थोड़ा सा ग्राइंड किया है, तो मैं उनको कुक करूँगी। और जैसे कि हम सबको पता है कि राइस और उसके पानी को चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, और आजकल फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हर कहीं दिखाई देता है। तो वैसे ही राइस को ब्राइटनिंग, वाइटनिंग और
एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाला, तो अब मैं इसको कुक करूँगी। हम राइस वाटर को चेहरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें पिगमेंटेशन हो चेहरे में। किसी किसी को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन बी एंड सी पाया जाता है। इवन लिटरली मुझे ये नहीं पता था इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। मैंने गूगल से सर्च किया तो इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि हमारे चेहरे के ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा है। एज़ यूजुअल हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, टमाटो अपने चेहरे पे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की प्रॉपर्टी होती है ना। तो विटामिन सी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इसको कुक होने देना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है शकरा, मैं कश्मीरी में एक मिथ है जो कि इस चोंचस लेवान तम सिंह खानद्र दह रूद पेवान। आप इस बारे में क्या बोलते हो, काइंडली कमेंट। मुझे तो ये अजीब बात लगती थी, लगती है, वो लगती रहेगी, अजीब सी बात है। बड़े वाला बड़े वाला असल तो यहाँ ये लगभग कुक हो गया। अब मैं इसको जार में डालूंगी सो दैट कि इसका एक सॉफ्ट सा मिक्सचर निकल के आए। तो यहाँ मैंने इसको मिक्सी में ले लिया, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। एंड हेयर द सॉफ्ट पेस्ट इज़ रेडी। अब आप इसे अपने चेहरे पे लगा सकते हो। आप देख सकते हो ये क्रीम की तरह दिख रहा है। और यहाँ मैंने आइस क्यूब्स में इसको रख दिया ताकि अंडर आइस पे भी ये लग सके। तो यहाँ मैंने इसमें आइस क्यूब्स में भर दिया। अब जो बाकी का बच गया है उसमें मैं हनी डाल रही हूँ, और ये हनी प्योर है जो मुझे मेरी कज़न ने दिया है, और उसके लिए भी शुक्रिया। मैं उसको बोल नहीं पाई शुक्रिया, मे बी ये वीडियो वो देखेगी तो थैंक यू। और मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड करूँगी, क्योंकि ग्लिसरीन आपको पता है कि चेहरे के लिए कितनी ही अच्छी है, जो मैं यूज़ करती हूँ कंटिन्यू। तो ग्लिसरीन मैं ऐड कर रही हूँ, और यहाँ मैंने इसको हनी डाला और मैं इसको फिर से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ आ गई है बारी पैच टेस्ट करने की। तो यहाँ मैं आपको अपना हाथ पहले दिखाऊंगी सो दैट कि मुझे भी लगे और आप लोगों को भी लगे कोई चेंज आई या नहीं आई। सो नियर अबाउट इसको 5 मिनट तक आप रखिएगा। मैंने नहीं रखा यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, तो मुझे वो भी करना था, बर्तन धोने थे। तो यहाँ मैंने जल्दी, मुझे लगता है 1 या 2 मिनट में इसको मैंने फिर थोड़ा सा रब किया। इवन कि इसमें वो क्रिस्टल्स नहीं है, मे बी आपको दिख रहे होंगे क्रिस्टल्स, लेकिन सॉफ्ट सॉफ्ट से है ये, आपको वो फील नहीं देंगे कि हार्डनेस जैसा फील नहीं देंगे। सो यहाँ मैंने जो ही इसको साफ किया, सो आप पहले मैं आपको लोगों को दिखाऊँगी, देन आई विल शेयर माई रिव्यू। दोनों दिखाओ। वाह, ये थोड़ा अलग, ये थोड़ा इधर नजदीक थोड़ा देखो। तो डिफरेंस है, उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन डिफरेंस है। तो रही बात मुझे इसमें अच्छी चीज़ क्या लगी, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हो जाती है। वो आपको ऐसे नहीं लगेगी, लेकिन आप अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि कैसा। और ये रहा सीरम जो कि मैंने खुद बनाया है, और अगर आपको चाहिए कि ये कैसे बनाता है डू कमेंट। तो करते हैं इस वीडियो को एंड यहीं पे। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।